खबर आपको दें, मिस्री शाह के इलाके में स्क्रैप के गोदाम में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए हादसे पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अवैस वर्क से। अवैस, बताइएगा क्या तहकीकात हो रही है। जी बिल्कुल, स्क्रैप के गोदाम में मिस्री शाह के इलाके में देखते ही देखते जो है वो आग भड़क उठी। आग जो है ये इसकी वजह जो इब्तदाई मालूमात में वो ये थी, बताई जा रही थी कि रबड़ और इस तरह का जो काम माल है उसको आग लगाकर जो है बाकायदा जलाया जाता है और उसमें से जो लोहा है उसको निकाला जाता है इस्तेमाल के लिए। लेकिन रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग की वजह जो है वो अब इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो बताई जाती है। बिजली की तारें जो है वो एक दीवार से गोदाम के साथ गुजर रही थी, देखते ही देखते जो है इलेक्ट्रिक शॉक के बाइस जो आग है वो दरख्त को और उसके साथ साथ जो खाम माल मौजूद है यहाँ पर उसको लगी और उसके बाद जो है बेकाबू हो गई। यहाँ पर बहुत से कारों से निकाले जाने वाले जो फिल्टर्स हैं, इसके साथ साथ रबड़ का जो स्क्रैप माल जो है वो मौजूद है और इसके साथ साथ और भी इस तरह के प्लास्टिक के सामान जो है स्क्रैप जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो उसको जो है वो देखते ही देखते जो है वो आग लगी। अभी रेस्क्यू 112 यहाँ पर बाकायदा मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। आग इसको दो हिस्सों में बढ़ चुकी, एक हिस्से पर रेस्क्यू की जानब से बाकायदा आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दूसरा हिस्से पर अभी भी जो है उसमें आग मौजूद है और उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये वो हिस्सा है जिसमें गाड़ियों के फिल्टर जो है मौजूद है और उनमें आग जो है भड़की हुई है। यहाँ पर आग के ज्यादा होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि गाड़ियों से जो फिल्टर निकाले जाते हैं उनमें तेल की एक बड़ी जो मिकदार है वो मौजूद होती है, तो इस हिस्से पर भी अभी रेस्क्यू की जानब से कोशिश की जा रही है कि काबू पाया जाए। जबकि पहला हिस्सा जो है उस पर कूलिंग का अमल जारी है जिसमें से बहुत सा धुआं जो है वो भी निकल रहा है। दूसरे हिस्से पर अभी कुछ ही देर में जो है रेस्क्यू के मुताबिक जो है कोशिश की जा रही है कि इस पर भी जो है वो काबू पा लिया जाएगा। आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट जो है वो बताई जा रही है। जी अवैस वर्क ये भी बताएगा, गोदाम में चूंकि काम जारी था वहाँ पर मजदूर भी मौजूद होंगे, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज है। छुट्टी के रोज जो है आमतौर पर गोदाम जो है ये बंद होते हैं, यहाँ पर किसी किस्म का जो काम है वो नहीं किया जाता। तो एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि यहाँ पर आग के ज्यादा बढ़ने की वजह जो है यहाँ पर किसी का ना होना है और ये एक फायदेमंद बात जो है इसके तौर पर भी साबित इस तरह से हुई कि यहाँ पर कोई किसी के वर्कर जो है वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही यहाँ पर कोई काम कर रहा था। अब उसकी वजह से किसी किस्म का जो जानी नुकसान है उससे जो है किसी किस्म का जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। अलबत्ता जो जब आग भड़क उठी तो करीबी जो लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू को बाकायदा जो है इन्फॉर्म किया और रेस्क्यू की टीमें जो है बाकायदा फायर ब्रिगेड गाड़ियों के साथ यहाँ पर पहुंची और आग पर जो है बाकायदा काबू पाया जा रहा है। अब जो है उसके गोदाम के मालिक जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो उनकी जानिब से यही कहना है कि आज के दिन हम किसी किस्म का कोई काम नहीं करते और आज कोई काम नहीं किया जा रहा था। आग जो लगी वो शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैसवर्क, आप हमें अपडेट कर रहे थे।